जय श्री राम। अगर दोस्तों आप वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलना एवरीवन। बाकी दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली सपोर्ट एंड रिलेशन लेवल्स के ऊपर, जो कि मैं आपको डेली प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है एवरीवन। जो कि ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कल की मार्केट के सपोर्ट एंड रिलेशन लेवल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि डेली अपडेट्स आपको मिलती रहती है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को करते हैं, ठीक है, शुरू। ठीक है, वो आज हुआ कि आज निफ्टी 50 में आज मार्केट लगभग जहाँ मतलब आज जो थोड़ा बहुत तो मार्केट मतलब जहाँ था वहीं से ओपन होते ही मार्केट में पहले सेलिंग प्रेशर आया, ठीक है। सेलिंग प्रेशर आते ही मार्केट में फिर थोड़ा एक अप मूव आने के बाद, फिर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद फिर मार्केट ने एक डाउन की ओर एक फेस दिखलाया अपना, ठीक है। डाउन हो जाने के बाद मार्केट आज लगभग थोड़ा और नीचे गई, ठीक है। लगभग आज मार्केट नीचे गई है, ठीक है। आज अप की ओर मूव नहीं आए जो कि नी आज, ठीक है। मार्केट ने देखो हुआ क्या है, अब हमें करना क्या है, हमें मार्केट में भी देखो जहाँ तक लग रहा है मार्केट अब यहाँ से भी साइडवेज चल रही है, ठीक है। देखो मार्केट क्या करी, देखो आज का अकॉर्डिंग बताऊँ तो मार्केट ने आज पहले क्या करा कि वो पहले नीचे आई, ठीक है। नीचे आने को वहाँ कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने फिर नीचे आई, ठीक है। फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करा, फिर नीचे आई। तो आज जो जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट अभी भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट एक डाउन की ओर नीचे कट हो सकता है, प्लान कर सकते हैं यहाँ तक का, ठीक है, जो कि नीचे जा रही है अभी। तो कंसोलिडेट करने का क्या पता मार्केट एक डाउन फेज नीचे की ओर दे। पर दोस्तों देखो ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, ठीक है। क्या पता मार्केट यहाँ पर सब यहाँ पर कंसोलिडेट करने का फिर एक मार्केट यहाँ पे ये सब रेजिस्टेंट है उसको तोड़ते हुए आपकी ओर जाए, ठीक है। या अगर तोड़ते हुए जाएगा तो एक टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। अगर मार्केट को अच्छा ऊपर जाता है तो सेकंड टारगेट हम यहाँ तक का कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ठीक है। बाकी थर्ड टारगेट आपको यहाँ तक दिख जाएगा, फोर्थ टारगेट आपको दिख जाएगा यहाँ तक का, ठीक है। बाकी देखते हैं अगर मार्केट नीचे की ओर जाती है हम वेट करेंगे कि जो जो नीचे वाला ये सपोर्ट है इसे तोड़ते हुए अगर मार्केट नीचे की ओर जाएगी तो हम डाउन की ओर ट्रेड करेंगे, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद ही एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, ठीक है एवरीवन। ये बात फिर निफ्टी 50 की। तो क्या करना है आपको, स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके इसके स्क्रीन शॉट ले लो या आप इसके लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हो। ये निफ्टी 50 के लेवल्स हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जैसे कि वेट देखो अब आप इसके इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हो। पर हाँ दोस्तों उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, बाकी कोई मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बनाता कि परफेक्ट ये सपोर्ट लेवल्स है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से बनाई जाती है, ठीक है। तो कृपया अगर आप इसमें ट्रेड करोगे तो अपने रिस्क और अपना एनालिसिस खुद करिए, ठीक है। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैंने पहले बता दिया ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है। तो अगर आपको लेवल्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं तो आप इसके ड्रॉ कर सकते हो या इसके स्क्रीन शॉट ले सकते हो। आते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी आज हुआ क्या, बैंक निफ्टी में भी आज थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट में, थोड़ी बहुत छोटी सी मतलब लगभग 10-20 पॉइंट मान लो, ठीक है, 60 पॉइंट 10-20 पॉइंट मार्केट गैप डाउन होते ही मार्केट में थोड़ा बहुत एक आपका छोटा सा एक मतलब जब आप गई तो डाउन गैप डाउन होते यहाँ पे कुछ सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर जाने का फिर मार्केट तो थोड़ा बहुत नीचे आई, यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेट करा अभी सपोर्ट को तोड़ते हुए फिर मार्केट एक नीचे गई, ठीक है। नीचे जाने के बाद इसने भी फिर कुछ देर कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने एक नीचे की ओर फिर दिखलाया। फर्स्ट सपोर्ट तोड़ते ही मार्केट ने एक वेट मार्केट ने फर्स्ट सपोर्ट तोड़ते ही अपना फिर मार्केट अपना प्रचंड रूप दिखलाया, जो कि बैंक निफ्टी है, ठीक है। इसने भी यहाँ नीचे डाउन की ओर जाने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छे को नीचे की ओर ट्रेड दी है, ठीक है। मार्केट ने फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेट करा, फिर एक नीचे की डाउन फेज दिया गया है, ठीक है। तो जब जो कि देखो हम कल का कल क्या प्लान कर सकते हैं, अगर हम प्लान करना चाहें अपने अकॉर्डिंग, तो मार्केट ने अभी यहाँ सपोर्ट की ओर टिकी हुई, तो मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे सपोर्ट के यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट यहाँ की ओर नीचे की ओर जा सकती है। देखो ये सिर्फ ऐसी एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, ठीक है। यहाँ मार्केट इसके नीचे जा सकती है इसी को कंसोलिडेट करने के बाद, क्या पता मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट एक अप मूव भी दे सकती है, ठीक है। पर हम वेट करेंगे जो ये रेंज बन रही है, ये छोटा मोटे छोटे से स्केल ये जो कंसोलिडेट हुआ है यहाँ पे, इससे अच्छा अच्छे अच्छी कैंडल बने, अगर बिग बार बड़ी बड़ी कैंडल बने तो हम ट्रेड कर सकते हैं अपकी ओर जाने के लिए, ठीक है, अगर वो अपकी ओर जाती है। बाकी हम वेट करेंगे कि कंसोलिडेट करने का डाउन ही ट्रेंड टूटे, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन फेज में आ रही है, ठीक है। तो बाकी ये देखते हैं कल का कल क्या हो सकता है, ये बैंक निफ्टी की लेवल से जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लेवल्स भी आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इसके लेवल्स भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है एवरीवन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। बाकी एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैंने बताया है,
और बाकी ये बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के हैं, ठीक है, और ये निफ्टी 50 के। तो क्या करना, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलना एवरीवन। बाकी जो नए नए अपकमिंग IPO आने वाले हैं या आए हैं, तो आपको सब हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जरूर विजिट कर सकते हो, ठीक है एवरीवन। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको ट्रेड एवं फ्यूचर या ऑप्शन या ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, IPO में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एवरीवन जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी सभी के लिंक्स आपको सोशल मीडिया के, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एवरीवन जरूर चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है एवरीवन।